जलौन जिले के माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के सिरसा दोगड़ी गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 2 साल पहले एक युवती की शादी में उसके परिजनों ने लगभग 20 लाख रुपए नगद खर्च किए थे, लेकिन अब युवती के ससुराल वालों ने अतिरिक्त 25 लाख रुपए की एक नई गाड़ी की मांग की है। ससुराल जनों ने धमकी दी है कि यदि उसकी मांग पूरी नहीं की जाती तो वे युवक की दूसरी शादी करा देंगे। स्थिति के बाद युवती ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। परसों अपने ससुराल गए थे तो मार की पीट करके हमें भगा दिया, मारा हमारे ससुर ने, आदमी ने, सास ने, सपने घसीट के बाहर निकाल दिया। हमारी मौसी ने गाली गलौज की, भाग जा घर से, तुम्हारा कोई नहीं है। पुलिस से शिकायत की तो उधर कुछ उनने सुनी नहीं है। उनने तो बहुत समझाया अंकल जी ने, लेकिन बस यही है कि वो 25 लाख वाली गाड़ी दो, जब ही रखेंगे। वो लोग कहते हैं कि मुझे 25 लाख वाली गाड़ी दो, जब ही हम रखेंगे। हम नहीं रखेंगे, दूसरी शादी कर लेंगे, जहाँ जाना है उधर चली जाओ, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या मांग करते हैं? यही कि मुझे न्याय चाहिए। जलौन यूपी से नेशन मिरर के लिए प्रभात कुमार की रिपोर्ट।